मेरा नाम पुष्पा है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मैं और मेरे दो दोस्त राजेश और हर्ष हम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। जब हम चलते चलते थोड़े थक गए तब हमने एक गुफा पर अपना उस रात को बिताने का फैसला किया जहां पर हमें बहुत सारे रहस्यमय चित्र दिखाई दिए जिसमें देवताएं शैतान से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और आखिर में एक तीसरी आंख ने उस शैतान को भस्म कर दिया था। पर उसमें कहीं पर भी शिवजी का नामो निशान भी नहीं था। पर हम सभी यही सोच रहे थे कि आखिर तीसरी आंख तो उन्हीं की ही होगी, शायद ये किस्सा उन्हीं का ही होगा, और आखिर किसका हो सकता है। यही सारी चित्रों के बारे में बात करने के बाद हम सभी बस नींद के आने का वेट कर रहे थे और देखते ही देखते हम तीनों की ही आंखें लग गई और हम सब गहरी नींद में चले गए। जब अगले दिन सुबह हमारे चेहरे पर रोशनी पड़ी तब हमारी नींद खुली और हमारा शरीर मानो जैसे दर्द से बुरी तरीके से टूट रहा था। हमारी सभी की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे पैर और हाथों के नाखूनों पर बहुत तेज़ दर्द था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। इतना दर्द और इतनी ज़्यादा बेचैनी हमने कभी महसूस नहीं की थी। जब हमसे हमारा नाखूनों का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तब हम सभी अपने पैरों को चेक करने लगे और जैसे ही हम सभी ने अपने जूतों को उतारा तब हमारे होश उड़ चुके थे। हमारे पैर के नाखून इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे मानो जैसे हमने वहाँ पर महीनों गुजार दिए हों, पर वहाँ पर तो हमने सिर्फ एक रात ही गुजारी थी। हमने नोटिस किया कि मेरे बाल भी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं और मेरे दोस्तों की दाढ़ियाँ भी बहुत बढ़ चुकी थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमें मालूम था कि ये पहाड़ बिल्कुल भी मामूली नहीं है। यहाँ के बहुत सारे किस्से हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते थे, पर अब हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था। हमने तुरंत ही अपने कपड़े और जूते पहने और वापस से उस पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ गए। हम थोड़े ही दूर पहुँचे थे कि आगे जाकर हर्ष की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसका बदन मानो जैसे टूट रहा था। हमने इससे ज़्यादा बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई की है और कल तो हम ज़्यादा चले भी नहीं थे, उसके बाद भी हमारी ऐसी हालत हो गई थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी हमें वहाँ पर एक लड़का नज़र आया जिसका नाम अतुल था। वो भी हमारी ही तरह छुपके से उस जगह पर चढ़ाई कर रहा था। हमने उससे बातचीत की और वो भी हमारे साथ ही उस पहाड़ पर चलने लगा। आगे जाकर जब हर्ष की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई तब हमने उसे यही कहा कि अब उसे आगे नहीं आना चाहिए, उसे वापस चले जाना चाहिए। हर्ष ने भी अब ज़्यादा ज़िद नहीं की और वो भी समझ गया कि उससे अब ये आगे का रास्ता और नहीं हो पाएगा। उसने अपने पैर वापस मोड़ लिए और वापस नीचे की तरफ जाने लगा। हमने दो लोगों को और हायर किया था जिन्हें हमने नीचे ही छोड़ दिया था। हमने उनसे कहा था कि जब कभी भी कोई भी ऊपर से वापस नीचे आए तो उनको पूरी तरीके से मेडिकल तौर पर चेक किया जाए और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हो तो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाए और ये सभी खुफिया तरीके से ही होना चाहिए। अब बस मैं, मेरा दोस्त राजेश और पहाड़ पर ही मिला हुआ अतुल, हम सभी आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऊपर अब ठंड बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, मानो जैसे हमें -20 डिग्री का सामना करना पड़ रहा हो। पर जैसे ही हम टेम्परेचर चेक करते तो वो -5 डिग्री ही होता, पर हमें ठंड इस कदर लग रही थी कि मानो जैसे ठंडी हवाएं हमारे कपड़ों को चीर कर हमें छू रही हो।
हमने थोड़ी दूर का रास्ता और ही तय किया था कि अतुल बहुत अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। वो हमसे कह रहा था कि शायद मैं अपनी बीवी से वापस नहीं मिल पाऊंगा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो वापस अपने घर नहीं जा पाएगा और शायद वो इसी पहाड़ पर ही मारा जाएगा। उसकी ये सारी बातें हम सबको मायूस कर रही थी। हम आगे फिर भी बढ़ते जा रहे थे कि अतुल का पागलपन अब बढ़ने लगा था। उसे अब उसकी बीवी और बच्चे उस पहाड़ पर नज़र आ रहे थे। उसे उसके पिताजी उस पहाड़ पर नज़र आ रहे थे। वो हमसे कह रहा था, वो देखो, वो मेरे पिताजी हैं, वो इस पहाड़ पर क्या कर रहे हैं, और मेरी बीवी वो भी वहाँ पर है। मैं और राजेश उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे और हम समझ गए थे कि अब आगे का रास्ता अतुल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। शायद उसे कुछ तो तकलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है और आगे का रास्ता उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने उससे बातें की और उसे वापस जाने के लिए कन्विंस किया। थोड़ी और बातचीत करने के बाद अतुल हमारी बात मान गया और वो भी वापस नीचे की तरफ चला गया। अब हमारे दो साथी वापस नीचे लौट चुके थे और मैं और राजेश एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हम बस यही चाहते थे कि कैसे भी करके हम अपना इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सपना पूरा करें। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पहाड़ की ऊंचाई पर जाते जाते हैं तब तक उसका तापमान और भी ज़्यादा गिरता जाता है और इसी वजह से हमने मोटे कपड़े पहने हुए थे। पर इस पहाड़ पर बहुत ही अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंच रहे थे वहां पर गर्मी बढ़ती जा रही थी, मानो जैसे तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। हमारे अब पसीने छूटने लगे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने और राजेश ने अपने जितने हो सके उतने एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दिए थे और उस पहाड़ की चढ़ाई वापस से शुरू कर दी थी। हम जानते थे कि इस पहाड़ पर हमें तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और ऐसे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत देर आगे और चलने के बाद मैंने और राजेश ने एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला किया और सोचा कि थोड़ी देर खाना खाकर आराम करना ही बेहतर होगा। पर जब हमने अपना खाना खोला तो हमारा सारा खाना सड़ चुका था। उस पर कीड़े तो नहीं लगे थे पर हमारे पास जितना भी रेडीमेड खाना था वो सब खराब हो चुका था और ताज़ी फल और सब्जियां ही बस बची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत सिर्फ अपने बनाए हुए सामान को बचा रहा है। आगे हमारे साथ और क्या होता है ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।